वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को जीनत बख्शी है, दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। जनाबे वाला हस्ब रवायत आज भी दुनिया की अजीम पुलिस फोर्स खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शहदा को सपासे तहसीन पेश करने के लिए योम शहदाए पुलिस शायान शान तरीके से मनाने का मकसद अपने शहदा के साथ साथ इस बहादुर फोर्स के गाजियों की बेमिसाल दलेरी और दहशतगर्दी के नासूर के आगे सीना सपर होकर उनकी गिरा कदर खिदमात का एतराफ करना है। जनाबे वाला ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि परचम की कदर सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस परचम में लपेटे जाते हैं। बाज लोगों ने तो इसे सरबुलंद या फिर किसी हादसे के बाद सरनगू होते देखा है। ये उनसे पूछो जनाबे वाला, ये उनसे पूछो जो इस परचम की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ छोड़कर पागल कहलाए जाते हैं। तारीख शाहिद है कि परचम की सरबुलंदी कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं होती। जो दुनिया की अजीम पुलिस फोर्स खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अपनी बेमिसल और बेमिसाल कुर्बानी से रहती दुनिया तक साबित कर दिया है। और हर बार जनाबे वाला हर बार इस अजम को दोहराया है, ए वतन तेरी कसम तेरी मट्टी की कसम, ए वतन तेरी कसम तेरी मट्टी की कसम, उसने पेवस्ता इस परचम की कसम, तुझ पे दिल जान लुटाने की कसम खाते हैं। जनाबे वाला हमारे शहदाए पुलिस अजमत और मंजिलत का वो अजीम शाहकार है जिन्होंने अपने लहू की आबियारी से हमारे माशरे को वो हुस्न और रानाई अता की है और रमजगाए हस्ती में अपने लहू से वो दीप रोशन किए हैं जिसकी नजीर नहीं मिलती। जनाबे वाला बहसियत एक खातून पुलिस ऑफिसर मैं इस अजीम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से वाबस्ता होकर खुद को इफ्तिखार के उस अरफा मुकाम पर महसूस कर रही हूँ जिसका अहाता अल्फाज से करना नामुमकिन है। जनाबे वाला आज की इस तकरीब की वसादत से मैं अपनी उन तमाम पुलिस सीनियर और आला खवातीन पुलिस अफसरान को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी जो बहादुर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शाना बशाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बम डिस्पोजल यूनिट इलियट फोर्स और दीगर पुलिस विंग्स में अपनी पेशा वाराना खिदमात जानबर तरीके से